नमस्कार, आप देख रहे हैं 2024 इज और मैं हूँ आपके साथ सपना बद्देशिया। ये रुक करते हैं मेरठ के कुछ खास खबरों की। बुलंदशहर के गांव खबरा निवासी ओलंपियन अरविंद कुमार सोलंकी सहित उत्तर प्रदेश के चार खिलाड़ी सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में होने जा रहे वर्ल्ड रोइंग कप प्रथम में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। वर्ल्ड कप आगामी 27 से 29 मई तक आयोजित होगा। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी व उसके बेटे के तलाश में गाजियाबाद में दबिश दी गई है। मेरठ के सीओ कोतवाली अरविंद चौरसिया, लिसाड़ी गेट इंस्पेक्टर उत्तम सिंह राठौर और कोतवाली पुलिस ने दबिश दी। पुलिस ने गाजियाबाद में एक घंटे तक मकान में छानबीन की, लेकिन यहां याकूब और उसके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं मिला। बिजनौर जिले के नहटोर क्षेत्र का बीईओ कार्यालय शिक्षकों की सियासत का अखाड़ा बन गया है। इस कार्यालय पर एक बार फिर से बैनर लगा दिया गया है और यह चर्चा का विषय बना हुआ है। यह बैनर इंटरनेट मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली हरिद्वार NH-58 सबसे व्यस्त हाईवे पर पुलिस के सामने कुछ गुंडे कार से उतरे, डंडा निकाला और मारपीट कर भाग गए। मेरठ के सिवाया टोल पर सुबह गुंडों ने पुलिस के सामने एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की। सामने खड़ी पुलिस सब कुछ चुपचाप देखती रही। आसमान से बरस रही आग के बीच आज यानी कि मंगलवार को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। मेरठ सहित NCR में छाए रहेंगे आंशिक रूप से बादल, धूल भरी तेज आंधी चलने की भी संभावना है। इससे पारा भी कुछ नीचे गिरेगा। मेरठ की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें 24 न्यूज़।